हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज हमारी सासू माँ का है तिथि का श्राद्ध, तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। और अभी हमें बहुत सारा काम करना, अभी पंडित जी आए नहीं हैं, तो चलिए मैं तो जा रही हूँ काम करने। और आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए हमारे वहाँ कैसे होता है श्राद्ध। देव कर्म तो महंकर से देव कर्म जन्यो सभ्यनो सभ्यनो सभ्यन अग्नो सौ विश्व भी नुमा महासादि अग्नो का भी जल डालते रहो। विश्व भी नुमा विश्व भी नुमा विश्व भी नुमा महासादि ब्यान विश्व भी नुमा ओम नम जय समझे सूर्य उत्तरायणी ग्रीष्म दुजेठवासी शुक्ल पक्षांग सत्यमय अंकित हो सत्यमय सत्यमय बड़ा गिलास है ना। चाय बनाओ पंडित जी? ना ना, तभी तो मैंने पानी मांगा, थोड़ी सी बनाती हूँ। पानी का प्यास, पानी प्यास ले रही है। गर्म हो रहा है ना आजकल, गर्मी भी तो कितनी ज्यादा हो रही है। देखो भी तो नीचे लोग भी देखते हैं, एक एक दो सब में ये गुरुनाथ से बुलाए है ना। क्या दुराश का जूस? अच्छा, ये फोन है जूस जो लोग। हाँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा, वो जो रानी खेत से लाए हम। Okay, फिर चंदन लगा दो, हाथ तो नहीं जला गए। क्या हो रहा है? माँ बाप कितने बार जलाते हैं अपना हाथ एक एक बच्चों के लिए है नहीं जलाते पंडित जी, खाना देने में बनाने में। मुझे क्या समझ जाओ पंडित जी, ये क्या ठहरा? ये आसन ठहरी। अच्छा, ये ब्रह्मासन लग चुके हैं पितरों के लिए ना पंडित जी? पितरों के लिए हुई। अच्छा, अब मुझे हाथ में जल देखो, ऐसे 3 बार घुमाइए। अभी रुक गए, ओके 1 मिनट। पहले पातली करते थे वहां पे, पहले पातली करी हो। गुल तो क्या कर रहा? गुल इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, इसमें आटा होगा। हाँ हाँ हाँ, इसको भी कर रहा हूँ। जो पड़ गया नल के साइड में खेत में डाल रहे हैं। पूरी बड़ा भात अब पंडित जी डाल रहे हैं, उसमें दाल है पंडित जी? हाँ, सब चीज देना हो ना आज? हाँ, भी सब चीज देना हो। पितर के लिए हुआ हो ये रख दो मैं यहाँ से एक। हाँ हाँ, रखो इसको। एक सलाद भी रखा है, ककड़ी और मूली और अदरक का। श्राद्ध में रखा जाता है पंचमेवा, पंच मिठाई, घी, शहद और क्या क्या रखा जाता है, पंच फल। हाँ, सभी है ना इसमें। हाँ, जौ, तिल। हाँ, सब कुछ। चंदन वाला चंदन ना? हाँ, चंदन सफेद वाला रखा जाता है आज, पीला वाला नहीं रखा जाता। अक्षत रखे जाते हैं, जौ रखे जाते हैं, तिल रखे जाते हैं और पुष्प की जगह पे ये रखे जाते हैं, पत्ते रखे जाते हैं। ये उसके पत्ते होते हैं हजारी के, हजारी आंवले के भी होते हैं। हमारे यहाँ आंवला नहीं होता तो हम हजारी के रखते हैं ना। अब यहाँ आंवले के पेड़ ही नहीं हुए तो पंडित जी कह रहे हैं आंवले के रखते हैं। और ये हमारी सासू माँ, देखो कितनी सुंदर है हमारी सासू माँ। और उनकी नथनी देखो कितनी बड़ी बड़ी सी है। और श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, यानी कि आपकी अपने पितरों के प्रति कितनी श्रद्धा आस्था है। थोड़ा सा आगे को। और अब पिंड बनाने की तैयारी हो रही है, तो पिंड के लिए हम लोग चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं। हमारे वहाँ चावल के आटे के ही पिंड बनते हैं, अलग अलग बनते हैं ना पंडित जी? हाँ, किसी के वहाँ किस चीज के बनते हैं? चावल के भी। हाँ? और चावल के आटे का भात के भी बनते हैं किसी के वहाँ, और जौ का भी बनता है किसी के वहाँ। अच्छा, पंडित जी कह रहे खोए के पिंड भी बनते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो चावल के आटे के ही बनते हैं। और ये चावल का किसी आटा भात के भी बनते हैं, भात के भी बनते हैं। मेरी माँ लोगों के यहाँ ना भात के बनते हैं, चौधरियों के पका हुआ भात होता है ना, उसके पिंड बनाए जाते हैं। पहले चंदन लगा रहे हैं, फिर अक्षत, जौ, तिल डाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। अब इसमें शही डाला जा रहा है, चीनी, तुलसी मंजरी, चीनी डाली जा रही है, तुलसी पत्ते या तुलसी मंजरी।
तुलसी के पत्ते हैं यहीं पे है, माने वो मनी प्लांट वाले में हो रहा है। और पिंड को दूध से गूंथा जा रहा है। अग्नि का व्याय लेने जाते जंगल हमारे पंडित जी, कुसा लेने जाते है पंडित जी। हाँ कुसा जंगल से मिलती है। अच्छा नदी तो बहुत दूर हुई ना हमारे। अच्छा तिथि के श्राद्ध को, श्राद्ध को कहा जाता है, दोनों चीज कहा जाता है, मतलब एकोदशी भी कहा जाता है, तिथि भी कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में तिथि का ही श्राद्ध बोलते हैं ना। हाँ, हमको तो ये हुआ इसका। हाँ, तो इसमें आज कम पिंड बने हैं ना, दो पिंड बनते हैं, एक बलि एक बीघा। अच्छा और दिनों ज्यादा बनते हैं ना जो वाले श्राद्ध होते हैं। हाँ, एक बलि एक बीघा। इस पर उठाओ, यहाँ जो पिंड बने हैं इनको आसन दिया जा रहा है। आप नीचे से कुशा बिछाया है और तो पत्तियां बिछाई हैं है, हजारी की। ये वो बता दो क्या, ये तुलसी। हाँ तुलसी, तुलसी के पत्ते बिछाए गए हैं। इसमें लगाओ पहले, ये बीकर हुआ बल। बीकर क्या होता है जरा बता भी तो पंडित जी। बीकर ऐसा हुआ, इसमें बत्ती जलाई जाती है। अच्छा और फिर इसमें रेखा मारी जाती इसका है। इसका कोई आकार नहीं होता ना, निराकार। कोई आकार होता इस पिंड का, कोई आकार नहीं है, निराकार है। जैसे वो गोल है, लंबा है, ये निराकार है। निराकार हुआ। अगर हम इस पिंड को इसको भाग नहीं निकालेंगे तो ये मतलब वहाँ पिंड जिसके निमित्त हम पिंड बढ़ रहे हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँच सकता। चावल और पूरी देखो, काली रेखा भी मारी जा रही है दोनों साइड से, माचिस से। बस हो गया, अब इनमें लगाओ। चंदन, अक्षत, पुष्प, पंडित जी जरा ये तो बताओ कितनी पीढ़ियां तरती हैं श्राद्ध करने से, कितनी पीढ़ियों का नाम आता है, कितने पुस्तों का? तीन पीढ़ियां। तीन पुस्तों का? तीन पुस्तों का। कोई तो कहते सात। सात पुस्तों अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा। इसमें तीन पीढ़ियों का उच्चारण होता है, जो करता है उसके ससुराल का। हाँ। और उनके जो जिनको जो श्राद्ध कर रहे हैं उनके मकोट का। हाँ। तीन पीढ़ियों और जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनके तीनों का। अच्छा मतलब मेरे 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 मायके का भी आएगा भी, आपका भी, और इनके मालाकोट के लोगों का नाम भी आएगा जिनका कर रहे हैं उनका भी तीन, और यहाँ हमारे घर का तो आएगा ही तीन। तीन पुस्तक तक, तीन पीढ़ी तक। अच्छा तीन पीढ़ी तक का होने वाला था वो। जो जो सात पीढ़ी का होता है वो आता है जब हम कोई शादी विवाह होता है उसमें आता है सात पीढ़ियों का, आप देव कहा जाता है। ओम श्री सरस्वती लक्ष्मी सपत्याम बहुराते पार्श्व नक्षत्राण मशीनांग रूपाना ईशानांग सब लोगानांग सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। हरि ओम विष्णुवे नमः, हरि ओम विष्णुवे नमः, हरि ओम विष्णुवे नमः, हरि ओम विष्णुवे। ओम गंगाय नमः, ओम कुरुक्षेत्राय नमः, ओम प्रयागे नमः, ओम तीर्थप्यागे नमः, ओम सागरे नमः, ओम ब्रह्मपूजनम नमः, ओम पितृपूजनम नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः। तो भैया बत्ती जला के आरती, इतनी बत्ती जलाओ चार। हाँ चार जले। श्राद्ध तो बहुत बड़ी चीज है, श्राद्ध जो है बहुत बड़ी चीज है, और इसके कोई चीज मतलब वो नहीं होता, इसका अशुद्ध नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी चीज हुई प्रभु। हाँ, पितर का सबसे बड़ा हुआ, उनके उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ कर रखा है। सही बात है ना। आरती लेकिन इसी में की जाती है, ये तिमिल का पत्ता है, आरती पत्ते में की जाती और जो हमने खाना भी लगाया है सब तिमिल के पत्तों में ही लगाया है, पत्ते में किया जाता है। ये सबसे शुद्ध पत्ता है, शुद्ध शुद्ध सबसे शुद्ध चीज है। तिमिल का पेड़ लगा रखा फिर हमने, हां तभी पूर्वजों के लिए तभी तो हो रहा है मेरी। हां फिर तो 40 डिग्री का अलर्ट है अल्मोड़ा में। बाप रे बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। ओम अग्निवर्जो ज्योति स्वाहा, सूर्यो वर्जो ज्योति स्वाहा, चंद्रमा मनुष्यो जातो सूर्याधाम, नमो पितरो रसायन, नमो पितरो घोराय, नमो पितरो देवावृति, भदाम अग्निवर्जो ज्योति स्वाहा, सूर्यो वर्जो ज्योति स्वाहा, चंद्रमा मनुष्यो जातो करी करी आप। ओम अग्निवर्जो ज्योति स्वाहा, सूर्यो वर्जो ज्योति स्वाहा,
चंद्रमा मनुष्य जातो सुरतान मोहितो सुरतान मोहितो घरान मोहितो देवाय आरतिते प्रतिग्रहताम हरिओम विष्णुवे नमः आगन्यर बरजो। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म बड़े, मालविका को लग गई है भूख तो मालविका को बुला लो। अब हमारा श्राद्ध हो चुका है, हमारे पूर्वजों का, हमारा नहीं मम्मी जी का श्राद्ध हो चुका है, तो मालविका को लग गई है तेज भूख क्योंकि आज उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, तो उनको बुला लो। बड़े बन गए हैं और बाकी सब खाना बना हुआ है और फटाफट गरम गरम पूरियां बनाएंगे। ये देखो गाइस, आज कितने बड़े बड़े बर्तनों में हमारे वहाँ खाना बना हुआ है। इसमें दाल बनी हुई है, इसमें खीर, और आज पंच दाल बनाई जाती है। पंच दाल मतलब पांच दालों को मिक्स करके और ऐसी सब्जी बनाई है। देखो ये बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी भी बनाई है और रायता भी और बना रखा हमने, इसमें चावल बना रखे हैं, रायता भी और बना रहे हैं हम, दही मंगा रखा हमने। और ये देखो गोल्डन हो गए। जरा बहनू दीदी को भी बुला दे, खाना खा लो, बड़ी मम्मी और बहनू दीदी को गरम गरम खा लेंगे। और हंसिका बेलेगी पूरी, चलो हंसिका पूरी बनाओ तुम। ओ गाइस, सुबह से काम करते करते पेट में चूहे कूदने लगे हैं, तो अब हम खाना खाने लग गए। आप अपने चूहों को शांत करते हैं थोड़ी देर मोटे मोटे चूहे हैं तो वो खाना भी आज ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे, मोटे मोटे चूहे। चलो आ जाओ, सब आ जाओ खाना खाने। वाओ मस्त हो रहा, कैसा हो रहा मालविका? बढ़िया। मालविका को कैसा लग रहा पूछ रही हूँ। बढ़िया, सबसे अच्छा क्या लगा? मेरे को यानी दाल अच्छी लगती है, मिक्स दाल। मेरे को वेजिटेबल भी अच्छी लग रही है, रायता भी बहुत अच्छा हो रहा, रायता भी बहुत अच्छा हो रहा। अब बड़े तो इतने मस्त हो रहे हैं, ये देखो गाइस छन्ने से बड़े हुए, बड़े कितने बड़े 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 बने, मोटे मोटे बने ना। और हमारे साहब जी पिछड़ चुके हैं आज खाने में। और हमारे जीजा जी पधार गए और खीर रायते का आनंद ले रहे हैं। हमारे दामाद जी अंगना पधारे दामाद जी अंगना पधारे यूविन कौन आया? यूविन के पापा आए हैं गाइस आज, तो यूविन हमको भाव नहीं दे रहा है, यूविन हमको भाव नहीं दे रहा है। हाँ हाँ ऐसे आ जा रहे हैं, घर से तो बिल्कुल ही आ रहा है। कहाँ घुस रहा है ये कोने में, ये बच्चा कहाँ घुस रहा है? यू वी हाउ। और ये देखिए हमारे जीजा जी हमारे लिए इतना सारा सामान लाए हैं, अभी मिठाई भी लाए हैं, वो अंदर रख दी हमने फ्रिज में। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।